हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 2020 में पूछे गए फर्स्ट ईयर के प्रश्न को बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मुझे प्रश्न नहीं मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो मैं एक ही वीडियो में जो है F1 से लेकर F12 पेपर के सभी प्रश्नों को समझाने वाला हूँ। आप सभी लोग बने रहेंगे, साथ ही साथ सभी वीडियो को देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2019 के प्रश्न को मैंने पूरी तरह से बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस ईयर में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गेस्ट पेपर जो कराए जा रहे हैं उसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप पेपर वाइज जो है आप गेस्ट पेपर जो चल रहे हैं उस सीरीज को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। अभी हम जो है F1 से लेकर F12 के सभी प्रश्नों को बताने वाले हैं, साथ ही साथ कोशिश करूंगा पूरे समझाने के लिए, क्योंकि समय कम है। और मैं आपको बता दूं पूरे दिन जो है बहुत सारे वर्क होते हैं, काम भी होते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो भी बनते हैं, इसीलिए जो है मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड करूँ, आपके आंसर भी प्रोवाइड करवाऊँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि F1 में आपको पढ़ना है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या। आपके यहाँ पर F1 जो पेपर है इसमें आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे समय होते हैं, टोटल नंबर ऑफ 11 प्रश्न होते हैं, जिसमें जो होता है आपको टोटल 11 प्रश्न होते हैं, जिसमें जो होता है आपको 6 प्रश्न शॉर्ट होते हैं और 7 प्रश्न जो होते हैं आपके लॉन्ग होते हैं। मतलब आपको इतना करना होता है, ऐसे लॉन्ग में 5 दिए होते हैं। आगे चलते हैं तो इसमें जो है आपको खंड देख ले, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, आप 2020 में भी देखेंगे, 2019 में भी देखेंगे और 2021 में भी देखेंगे, तो प्रश्न मिलते जुलते रहते हैं। देखिए पहला प्रश्न था, बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका क्या है। तो आप सभी लोग कर लेंगे, बच्चों के मतलब समाजीकरण में समुदाय की भूमिका क्या है। जिस तरह का समुदाय होगा बच्चे के ऊपर उसी तरह का समाजीकरण होगा। अगर समुदाय उनका अच्छा हो तो बच्चे जो होते हैं समुदाय के माध्यम से रीति रिवाज, रहन सहन आदि को जो है अच्छे सीखता है, नहीं तो वो प्रभावित हो सकता है। तो इस तरह प्रश्न आप कर लेंगे। इसी में आपका 8वां प्रश्न पूछा था, प्रमुख बाल अधिकारों की व्याख्या करें, बच्चों को क्या क्या बाल अधिकार दिया गया इसके बारे में व्याख्या करना था। सेकेंड प्रश्न था, समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। सीधे तौर पर जो है पूछा गया था कि समाजीकरण क्या है, तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है बच्चों में समाज के सभी गुण, रीति रिवाज, रहन सहन, व्यवहार सभी सीखते हैं, वो एक दूसरे के अनुकरण करके समाजीकरण के ही माध्यम से सीखते हैं, अपने समाज तथा अपने परिवार, अपने रीति रिवाज, अपने सभ्यता संस्कृति को सीखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट इसी में 8वां प्रश्न था कि विद्यालय के समाजीकरण आधार का वर्णन करें, विद्यालय के सामाजिक आधार का वर्णन करें। विद्यालय जो है विद्यालय के सामाजिक आधार क्या है, आप समझ गए होंगे। विद्यालय में जो है बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने, उनमें जो है वहाँ पर जाकर जो है सामाजिक गुणों को सीखते हैं, सही ढंग से सीखते हैं, अंतर जानते हैं, तभी तो वो सामाजिक गुण है, सामाजिक आधार है, सही तो है वो। इसमें 5वां प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है। तो देखिए बच्चों के समाजीकरण में परिवार की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले वो परिवार में ही रहते हैं, अपने परिवार को ही रहन सहन, अपने व्यवहार, रीति रिवाज को ही सीखते हैं। अगर बच्चे का पालन पोषण बचपन में सही ढंग से नहीं किया जाए तो बच्चे क्या होंगे, वो प्रभावित हो जाएंगे, उनका शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ अगर परिवार गलत डायरेक्शन में हो तो बच्चे के ऊपर भी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जो है परिवार एवं जो सामाजिक पालन पोषण है उसके ऊपर जो है समाजीकरण का बहुत ही बड़ा जो है प्रभावित करती है। इसीलिए जो है बच्चे का परिवार का यह कर्तव्य बनता है कि उनका पालन पोषण शैलियाँ जो है सही ढंग से की जाए तथा बुराई चीज़ से जो है बच्चों को दूर रखा जाए, क्योंकि समाजीकरण के माध्यम से बच्चे बहुत चीज़ सीख लेते हैं। नेक्स्ट इसी में 8वां प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय में समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। विद्यालय में भी जो है बहुत सारे समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है, वहाँ पर जो है मान लीजिए शिक्षक हो गए, शिक्षक भी प्रभावित करते हैं, विद्यालय भी प्रभावित करता है, उसके मित्र भी करते हैं, वहाँ के जो है स्टाफ भी करते हैं। तो ये सभी कारकों को में प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होगी, शिक्षक जो है इसे कैसे रोकेगा, इसकी भूमिका आपको बताना है। तो बच्चों को समझाकर उनके मानसिकता को चेंज करके आपस में बैठाकर एक कक्षा कक्ष में समावेशी कक्षा लेकर बताएगा, सभी धर्मों रीति रिवाजों के बारे में बताएंगे, उनके नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू को बताएंगे, इस तरह की जो है और भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है व्याख्या करें, जो बुकिज नॉलेज होता है वो निरर्थक है इसके बारे में व्याख्या करें। क्या बच्चों को केवल बुक का ही नॉलेज होना चाहिए कि समाज का भी नॉलेज होना चाहिए, तो ये गलत है कि नहीं गलत है। बच्चों को जो है बुक के साथ साथ उनके समाज का, उनके परिवार का, उनके समुदाय का ज्ञान होना जरूरी है। केवल बुक के ज्ञान से बच्चे आगे नहीं बढ़ सकता है,
इसी में आपको अथवा प्रश्न पूछा था कि शिक्षा एक नए समाज बनाने की प्रक्रिया है, वर्णन करें। शिक्षा के माध्यम से एक नए समाज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही जो है सभी चीज़ों का विकास होता है। जब बच्चे या जब व्यक्तियों शिक्षित हो जाते हैं तो वो सभी क्षेत्रों में जो है विकास करने लगते हैं, एक नए समाज की रचना करने लगते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है स्पष्ट करिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूचना क्या है, ज्ञान क्या है। तो सूचना जो होता है कम समय के लिए होता है, लेकिन ज्ञान जो होता है अधिक समय के लिए होता है, जीवन भर के लिए होता है। इसी में आपका अथवा प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय के अंदर और बाहर ज्ञान के गहरा जुड़ाव है कैसे। विद्यालय के अंदर और बाहरी ज्ञान में गहरा जुड़ाव है कैसे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं विद्यालय में भी बहुत कुछ सीखते हैं और बाहर भी बोते हैं। विद्यालय से ज़्यादा जो होते हैं बच्चे अपने परिवार, अपने परिवेश, अपने समाज और अपने आसपास के लोगों के द्वारा जो है और बाहरी दुनिया के साथ जो है सामंजस्य करके और बहुत कुछ सीख पाते हैं। इसीलिए जो है गहरा जुड़ाव है, विद्यालय के साथ साथ जो है बाहर भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट आपका 6 नंबर प्रश्न है, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। ज्ञान मीमांसा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, इसको देख लेंगे आप। ज्ञान प्राप्ति के मुख्य संसाधन क्या है, तो ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या क्या है आप देख ले, पेड़ पौधे चींटी क्या क्या स्रोत है, समाज है, विद्यालय है, पुस्तक है, कहाँ से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं इसके बारे में आप लिख लेंगे। अब हम खंड ख के बारे में चलते हैं, जिसमें लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखिए 7वां प्रश्न पूछा गया था कि ज्ञान की अवधारणा को विस्तारित रूप से समझाएं। ज्ञान की अवधारणा क्या है इसको विस्तारित रूप से समझाएं। नेक्स्ट में 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था, गिजी भाई बदेगा के द्वारा जो है दीवा स्वपन एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, जिसमें जो है बताया था कि कैसी मतलब शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसी के ऊपर जो है बताना है कि एक ऐसे शिक्षक की कथा है जो कि शिक्षा की ढकियानुसी संस्कृति को नहीं स्वीकारता और परंपरागत व पाठ्यपुस्तकों के सचेत अवहेलना करके बच्चों के प्रति सरल और प्रयोगशील बना रहा है, मतलब प्रयोगशील बना रहा है, कैसे विवेचना करें। उन्हीं के बारे में गिजू भाई बदेगा के द्वारा जो दिवस स्वपन पुस्तक ली गई थी उसमें जो है कैसी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए उसी के बारे में इसमें लिखना है। आप बता सकते हैं बच्चों को जो है कैसी शिक्षा देनी चाहिए, गिजू भाई बदेगा के द्वारा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वीडियो में जाकर देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगी। जो बच्चे नोट्स लिए होंगे उसमें नोट्स में भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे 9 नंबर प्रश्न आपका है कि शिक्षा पुस्तक कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है, वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको बता दूं ये प्रश्न आपको गेस पेपर में मिला होगा। देखिए कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है शिक्षा पुस्तक में जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों के स्वरूप होनी चाहिए, बच्चों के लचीला होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर आप पढ़ लेंगे, वीडियो में आपको मिल जाएगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा ये सभी का आंसर देने के लिए। तब तक मैं आपको बता दूं क्वेश्चन फोन से F12 देना है, काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन बताते जाओ, थोड़ा थोड़ा समझाते जाओ। नेक्स्ट आपका 10 नंबर प्रश्न है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की अवधारणा के बीच अंतर को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार पूछा जाता है पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यचर्या क्या है, मतलब सिलेबस और आपके सिलेबस और कैरिकुलम क्या है। तो सिलेबस क्या होता है, एक छोटी चीज़ होती है, लेकिन कैरिकुलम जो होता है बहुत बड़ा होता है, दौड़ का मैदान इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें सभी शामिल होते हैं, टेक्स्ट बुक, सिलेबस, कैसे पढ़ाना, ये सभी। सिलेबस में क्या होता है, कितना पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर जो प्रश्न है, इसमें आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणी करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको जॉन डीवी के बारे में बताते हैं, जॉन डीवी कैसे शिक्षा के ऊपर बात की थी, अच्छे शिक्षा की विशेषता क्या होता है, अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या होता है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो हर साल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत क्या है, 5 को सिद्धांत है। आपने पढ़ा होगा कि बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़े, बच्चों को लचीलापन एग्जाम ले, बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा दे, बिना बोझ बस्ता वाला शिक्षा दे, मतलब भारी बस्ता वाला जो होता है, बिना बोध शिक्षा, मतलब बिना बोझ शिक्षा, मतलब कि हल्के शिक्षा दे लेकिन बिना बोझ का, इस तरह की बातें कही गई है, आप देख लेंगे इसमें। अब हम चलते हैं F2 पेपर के ऊपर, तो F2 पेपर में भी जो है 70 नंबर का एग्जाम होता है, 3 घंटे होते हैं, 11 प्रश्न आपके होते हैं F2 पेपर में, बचपन और बाल विकास के बारे में पढ़ना है। तो इसमें भी जो है हम देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो पहला प्रश्न जो है देखिए यहाँ पर, बच्चे तथा बचपन की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। बच्चे किसे कहते हैं, बचपन किसे कहते हैं, इसकी अवधारणाओं को स्पष्ट करें, सीधा तौर पर आप कर लेंगे। अथवा इसी में प्रश्न है, बुद्धि तथा विकास के अंतर संबंधों की व्याख्या करें। बुद्धि क्या है और विकास क्या है, वही आपका आ गया, ज्ञान और विकास में क्या अंतर है। तो यहाँ पर बुद्धि और विकास में क्या अंतर है, विकास और बुद्धि दोनों में अंतर है आप बता सकते हैं। डेवलपमेंट कुछ समय के लिए होता है, रुक जाता है, ग्रोथ क्या होता है, हमेशा होता रहता है। चाहे ग्रोथ जो होता है ना, डेवलपमेंट हमेशा, विकास हमेशा हो सकता है, ग्रोथ जो होता है कुछ समय के लिए रुक जाता है, इसी तरह कुछ है, मुझे अभी माइंड दिमाग में नहीं आ पा रहा है, आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो 2 नंबर प्रश्न जो है आप देख लें यहाँ पर, बाल विकास से आप क्या समझते हैं, अंतर स्पष्ट करें या स्पष्ट कर। देखिए बाल विकास से क्या समझते हैं, बालक के विकास कैसे होता है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी जो बालक विकास से आप क्या समझते हैं, बालक का विकास कैसे होता है,
गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के बीच में होता है, तो आप देख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। इसी में आपको अथवा प्रश्न पूछा था कि शिक्षकों के लिए बाल विकास की अध्ययन क्यों जरूरी है। देखिए, शिक्षकों के लिए भी जो है बाल विकास का अध्ययन जो हूँ जरूरी है, क्योंकि शिक्षक को भी पता होना चाहिए कि बालक का विकास जिस तरह होता है उसी तरह उनको पढ़ाना है, किस एज में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस एज में क्या होता है। इसीलिए जो है शिक्षक को बच्चे के जो बाल विकास होता है उसका अध्ययन बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है आपका, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों के शारीरिक विकास के संक्षेप में वर्णन करें। देखिए, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, शैशवावस्था, मध्य बचपन, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ये चार जो अवस्थाएं होती हैं इसमें बच्चों के क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या विकसित होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा व्याख्या करना। आपने पढ़ा भी होगा कि शैशवावस्था क्या होता है 0 से 3 वर्ष, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ये सब चीज़ों के बारे में आप लिख लेंगे। अथवा प्रश्न इसी में पूछा गया था कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है, संक्षिप्त में वर्णन करें या इसका व्याख्या करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आएगा ही आएगा, लिख रहे इसको। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं, वंशानुक्रम हो गए, वातावरण हो गए, उनके पालन पोषण हो गए, फिर आपका भोजन हो गया, परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, ये सभी बच्चे को जो है शारीरिक जो विकास है उसको प्रभावित कर सकता है, विद्यालय भी कर सकता है, मानसिक तनाव भी कर सकता है, ये सभी चीज़ें जो है बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, इसके बारे में आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में पाए जाने वाले बच्चों के सृजनात्मकता के कुछ उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए बच्चों के विषय सीखने के प्रकार का मतलब सहायक करें। देखिए, अपने विद्यालय में जो है बच्चों के क्या क्रिएटिविटी है उसको बताना है, कि बच्चे में क्या क्या क्रिएटिविटी है उसको प्रस्तुत करते हुए, और साथ ही साथ ये बच्चे के विषय के सीखने में किस प्रकार सहायक है, तो बहुत ही ज़्यादा सहायक है। बच्चे किसी चीज़ के बारे में क्रिएटिविटी करेंगे, तैयार करेंगे, तो बच्चे उस सब्जेक्ट में अधिक से अधिक सीखेंगे, तो इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। इसी में आपको अथवा प्रश्न पूछा था यहाँ पर कि बच्चे विद्यालय में आने से प्रतिदिन तत्पर हो, इसके लिए शिक्षा की भूमिका क्या हो। तो देखिए, शिक्षा की भूमिका यह हो कि बच्चे जब विद्यालय आए तो विद्यालय में बच्चों को इस तरह पढ़ाया जाए कि बच्चे जो है डेली आने के लिए तैयार रहें, साथ ही साथ उनके साथ दोस्ताना व्यवहार हो, परिवार की जैसा व्यवहार हो, घर का जैसा माहौल क्रिएट हो, बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए। इससे क्या होगा, बच्चे डरेंगे नहीं, भयमुक्त नहीं होंगे, भयमुक्त होकर जो है प्रतिदिन विद्यालय आएंगे। इस तरह की गतिविधि करना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न है आपका 5 नंबर है, आप अपने विद्यालय में बच्चों को कौन कौन से प्रकार के खेल खिलाते हैं, किन्हीं एक खेल के ऊपर संभावित वर्णन करिए। ये प्रश्न मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आप विद्यालय में बच्चों को कौन कौन से खेल खिला सकते हैं, उसका महत्व, उसका क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेल बहुत जरूरी है, इसके ऊपर आप बात कर लेंगे। नेक्स्ट है, खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है। आपको पता है खेल के माध्यम से बच्चे में जो होता है शारीरिक मतलब नैतिकता की भावना, फिर आप बोले तो सहयोग की भावना, फिर मानसिक शारीरिक शक्ति, सभी चीज़ों का जो है विकास होता है। एक दूसरे के माध्यम से क्या करते हैं कि आपस में दोस्ती करते हैं, एक दूसरे के सभ्यता संस्कृति को जानते हैं, खेल के माध्यम से ही होते हैं, एक दूसरे के धर्म के लोगों के विचार को सुनते हैं, समझते हैं, इसके माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, जॉन बॉलबी के लगाव के सिद्धांत का वर्णन करें। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जॉन बॉलबी के जो लगाव का सिद्धांत उन्होंने दिया था उनका आपको वर्णन करना है। फिर आपका इसी में अथवा प्रश्न है, बच्चों के सहयोगात्मक विकास में परिवार की भूमिका क्या है, इसको स्पष्ट करें। बच्चों के सहयोगात्मक विकास में, इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चों के परिवार की क्या भूमिका है, ये भी आप जानते हैं क्या भूमिका है, इसको आप व्याख्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग प्रश्न में आ गया आपका 7 नंबर, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक है। देखिए, आपको शॉर्ट में पूछा, लॉन्ग में पूछा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर वर्ष पूछा ही पूछा जाता है, इसको आप कर लेंगे, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक है। नेक्स्ट आपका है, खेल के मुख्य प्रकार कौन कौन से है, खेल संचालन में शिक्षा की भूमिका वर्णन करें। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेल का जो मुख्य प्रकार कौन कौन से है, खेल का मालूम है इंडोर आउटडोर बहुत सारे गेम है, उसके संचालन में शिक्षक की भूमिका क्या है, कैसे शिक्षक जो है विद्यालय में खेल को सुचारू रूप से चलाएगा, साथ ही साथ खेल के माध्यम से बच्चों में जो है क्या क्या विकसित कर पाएगा, इसके लिए शिक्षक की भूमिका का वर्णन करना है। एक अगला प्रश्न जो है ये भी महत्वपूर्ण है, जीन प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। जीन प्याजे ने जो है नैतिकता के विकास के सिद्धांत दिया था, इसको वर्णन करना है। साथ ही साथ ऊपर अभी मैंने आपको एक प्रश्न बताया कि आपको बच्चों के सहयोगात्मक में जो ये वाला था और जॉन बॉलबी के लगाव का सिद्धांत, ये काफ़ी जरूरी है, और खेल के प्रकार और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आएंगे ही आएंगे, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, एक सृजन बालक में विभिन्न गुण होते हैं उसकी चर्चा करें। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी से आप क्या समझते हैं, क्रिएटिविटी किसी चीज़ में लाते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे में रुचि उत्पन्न होता है उस विषय के प्रति, साथ ही साथ एक सृजन बालक में जो है या सृजनशील बालक में क्या क्या गुण होते हैं, तो यह गुण होता है कि वो किसी भी चीज़ को जो है क्रिएटिविटी तौर पर देखता है, वो बहुत ही जल्दी जो है उससे रिलेटेड कुछ सामान बना लेते हैं, उसको विषय वस्तु को समझ लेते हैं, और किसी भी चीज़ को जो है वो क्रिएटिव करके जो है समझते हैं, इसी सब गुण हो सकता है, इसमें लिख लेंगे आप। आगे आपका 11 नंबर प्रश्न है, तो देख लेते हैं, 11 में जो है आपको बालक में उत्तरदायित्व की भावना विकास करना, नैतिक विकास, फिर भय से रोकथाम, बालक में मनोगत्यात्मक विकास, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं F3 पेपर के ऊपर,
तो F3 पेपर जो होता है आपका 70 नंबर का होता है, इसमें भी जो होते हैं 3 घंटे होते हैं, 11 क्वेश्चन होते हैं F3 पेपर, जिसमें आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के बारे में पढ़ना है। इसके प्रश्न के ऊपर चलते हैं, लंबा वीडियो बनेगा इसलिए मैं थोड़ा तेजी में बता रहा हूँ, आप प्रश्न को देखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे आपको अगर प्रश्न की जरूरत है तो। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट करें। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसको आपको डेवलप करना है। क्यों जरूरी है प्रारंभिक बचपन में जो है या बाल्यावस्था में बच्चों की देखभाल और शिक्षा क्यों जरूरी है, इसके ऊपर आपने पढ़ा भी है, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगी। वर्तमान में ECCE की अवधारणा को विवेचना करें। वर्तमान समय में जो ECCE है, अर्ली चाइल्ड जो डेवलपमेंट मतलब है एजुकेशन है, तो उसके बारे में आपको बताना है। केयर एंड एजुकेशन है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन जो प्रेजेंट में है, कि वर्तमान जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है देखभाल एवं शिक्षा होता है, इसमें क्यों जरूरी है वर्तमान में, इसके ऊपर आप विवेचना कर लें क्यों जरूरी है। अभी नहीं देखेंगे बच्चों को तो भावी जीवन उसका प्रभावित हो जाएगा, इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ECCE की पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है, ये आप कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे इसका आंसर। अथवा प्रश्न देख ले, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ECCE पाठ्यचर्या को लागू करने में शिक्षा की भूमिका क्या है, स्पष्ट करें। देखिए, ECCE पाठ्यचर्या को लागू करने के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि एक शिक्षक की जो होता है बच्चों के समझ सकता है, बच्चों के अनुरूप कार्य कर सकता है, और जो बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में जो शिक्षा की जरूरी है उसी को देखते हुए उसी तरह का जो है पाठ्यचर्या बच्चों को लागू करता है, ताकि बच्चे का भावी जीवन प्रभावित न हो, उसके विकास में किसी तरह का रोकथाम न हो, बाधा न उत्पन्न हो। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आप समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे करेंगे, उदाहरण के साथ लिखिए। देखिए, समावेशी कक्षा कहने का अर्थ है कि ऐसा कक्षा का जहाँ पर किसी तरह का बिना भेदभाव किए हुए समान बच्चों और साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करके एक तरह का शिक्षा दिया जाए। तो इस तरह करने के लिए आप किस तरह की कक्षा जो है माहौल क्रिएट करेंगे या कैसे निर्माण करेंगे, इसके ऊपर आप जान लें कि बहुत सारी गतिविधियाँ करके बच्चों को समझाकर जो है कर सकते हैं, उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि बालक के अनुरूप, बालक के स्वरूप जो है आपको पढ़ाना है, बालक जिस तरह से पढ़ना चाहता है, बालक को किस तरह से पढ़ाए, बालक को किस तरह से पढ़ाए कि समझ पाए, उसी तरह आपको पढ़ाना है, उसी तरह से लिखना है इसमें आपको। 4 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल एवं अन्य गतिविधियों की आयोजन क्यों आवश्यक है। देखिए, बचपन में जो है खेल और अन्य गतिविधि का आयोजन क्यों करना चाहिए। देखिए, बचपन में खेल और गतिविधि का आयोजन इसलिए करना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और खेल के माध्यम से बच्चों में जो होता है सभी पक्षों का विकास होता है, साथ ही साथ उसमें नैतिकता की भावना, सहयोग की भावना, मानसिक शारीरिक शक्तियाँ का जो वृद्धि होती है, इसलिए जो है, और विषय वस्तु को सीखने में भी जो है खेल के माध्यम से अगर बताया जाए तो बच्चे रुचि लेते हैं, इसलिए जरूरी है, आप इसको कर लेंगे। अथवा प्रश्न इसमें है, गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियां प्रक्रिया का चयन का आधार क्या हो सकता है, इसको बताएं। देखिए, तो ये आप तो कर ही सकते हैं, गतिविधि आपको विद्यालय में आयोजित करना है या आयोजन करना है तो किस तरह से करेंगे, क्या क्या प्रक्रिया हो सकता है, क्या क्या विधि और विधियाँ हो सकता है, आप लिख सकते हैं इसके बारे में, कैसे आप करेंगे, आप लिख लेंगे, खुद को वहाँ पर रखकर लिख लेंगे आंसर। मैं आपको बता दूँ कि DELED का आंसर लिखने के लिए आप उस जगह पर खुद हो जाए, शिक्षक का रोल खुद अदा करें और सोचें कि क्या कर सकते हैं हम, उसी तरह का आंसर लिख लेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है इसी में, कि आकलन एवं मूल्यांकन के बीच किन्हीं 5 अंतरों का स्पष्ट करें। देखिए, आकलन और मूल्यांकन, आकलन क्या होता है कि पढ़ाने के दौरान किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन जो होता है यह साल के अंत में होता है, और मूल्यांकन में सभी पक्ष शामिल होते हैं, लेकिन आकलन में जो होता है पढ़ाने के दौरान कोई चीज़ को पूछ सकते हैं और आंक सकते हैं कि हाँ मैंने पढ़ाया तो कितना बच्चा समझा, लेकिन मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन को सुधारा नहीं जा सकता, आकलन को सुधार सकते हैं, उसमें एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन जो एक बार छप गया जो छप गया, जो कि आंतरिक मूल्यांकन, आप लास्ट में साल के अंत में परीक्षा होती है वो मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट आपका इसी में अथवा प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास के विभिन्न आयाम क्या क्या है। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास के विभिन्न आयाम है, उसको लिख लेंगे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी चीज़ें लिख लेंगे, क्या क्या है, मतलब डिफरेंट डायमेंशन है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियाँ क्या क्या है। तो बिहार में बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियाँ निम्न प्रकार है, क्योंकि अभी बाल्यावस्था शिक्षा के लिए जो है उतनी तरह से विकसित नहीं हुई है, सभी तरह के जो संसाधन है उपलब्ध नहीं है, बच्चों को संभालना काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप इसके बारे में लिख लेंगे क्या क्या चुनौतियाँ हैं, आप अपने रूप से वहाँ तैयार करेंगे कि बच्चों को जब पढ़ाने जाते हैं तो बाल्यावस्था के लिए छोटे बच्चों को, तो वहाँ पर क्या क्या आपको चुनौतियाँ देखने को मिलता है, शोरगुल करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, कपड़ा नहीं पहन के आते हैं, इसी तरह रोते धोते, तो ये सभी 4 चीज़ें जो है उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका आंसर सटीक नहीं होता है, आप इसका आंसर खुद अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, राज्य के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तारित करने का अर्थ क्या है। देखिए, तो RTE 2009 में जो है कहा गया था कि 8 से लेकर 14 वर्ष तक के जो है शिक्षा देनी अनिवार्य है, तो राज्य शिक्षा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में 8 वर्ष तक विस्तारित करने का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में आप लिख लेंगे, क्यों जरूरी है 8 वर्ष तक क्यों किया गया था, ताकि बच्चे जो है सही ढंग से शिक्षा ले सके, सही ढंग से जो है अपने भावी जीवन के लिए नींव डाल सके, आगे बढ़ सके, इसलिए जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका इसका लॉन्ग प्रश्न आ गया, जिसमें जो है आपका पहला 7वां प्रश्न पूछा गया था कि
प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में बच्चों के विकास एवं जीवन की प्रभावित करें विवेचना करते हैं, प्रभावित करते हैं कैसे उसकी विवेचना करें। जो प्रारंभिक वर्षों में गुणवत्तापूर्ण जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में विवेचना करना था। नेक्स्ट है, राज्य में विद्यालय की तैयारी के अकादमिक संस्थानों की क्या अपेक्षा है। राज्य में जो विद्यालय की तैयारी में अकादमिक संस्थान है, जो अकेडमिक इंस्टीट्यूट है, उसकी क्या मतलब अपेक्षा है उससे आप लिख सकते हैं, क्या क्या अपेक्षा रखते हैं आप। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों के प्रगति से संबंधित अभिलेखों का संसाधन क्यों आवश्यक है, आप उसे कैसे संसाधित करेंगे। देखिए, प्रारंभिक बचपन या बाल्यावस्था में जो है बच्चों के प्रगति से संबंधित जो अभिलेख होते हैं, जो पत्र होते हैं, उसमें जो है क्यों आवश्यक है, ताकि बच्चे को पता चल सके या गार्जियन को पता चल सके और शिक्षा को भी पता चल सके कि बच्चे में किस तरह का वृद्धि हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके लिए जो है जो संबंधित जो अभिलेख होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। आप इसका आंसर देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें 10 नंबर प्रश्न आपका आ गया। तो 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए क्या अभिप्राय है। यदि शांतिपूर्व केंद्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं, मतलब शालापूर्व मतलब विद्यालय में अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं, तो आप ऐसे बालक के लिए जो है जो देख रेख करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, उनकी क्या भूमिका होगी। तो ऐसे देख रेख करने वाले कार्यकर्ता की जो भूमिका होगी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी। उनको सही समय पर जो है खाना पीना देना, सही समय पर जो है पढ़ाना, सही समय पर ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, कक्षा का समय पहुँचाना, खेलने के लिए प्ले ग्राउंड में ले जाना, बहुत तरह की गतिविधियाँ हो सकती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहने का अर्थ है कि जो डिसेबल हो, सुनने में दिक्कत हो, बोलने में दिक्कत हो, या मतलब देखने में दिक्कत हो, अंधे हो, लंगड़े हो, ये सभी जो बच्चे होते हैं ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं। तो इसलिए जो है इस तरह की गतिविधियाँ कर सकते हैं। वहाँ के जो देख रेख वाले जो वहाँ पर वार्डन होंगे या जो भी वहाँ पर सहकर्मी होंगे, उनकी ये मतलब भूमिका हो सकती है। नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जैसे विद्यालय की तैयारी में समुदाय की अपेक्षा, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों में भाषाई ज्ञान, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तथा ECC और ICDS ये भी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, अब हम A4 पेपर में चलते हैं। A4 पेपर में जो आपको पढ़ना है, 70 नंबर का एग्जाम होता है, 3 घंटे मिलते हैं, 11 प्रश्न होते हैं, पेपर A4 है, कोड आपका विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक विकास के बारे में पढ़ना है। तो इसमें चलते हैं, इसमें प्रश्न देखते हैं 2020 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर देख ले, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि विद्यालय में चेतना सत्र के बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, विद्यालय में चेतना सत्र बनाने के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियाँ करा सकते हैं, जैसे PT करा सकते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करा सकते हैं, फिर आप वहाँ पर जो है बहुत सारे चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, कविता भी सुना सकते हैं। ये सभी चीज़ें कराकर जो है चेतना सत्र को बेहतर बना सकते हैं। PT कराना सबसे बेहतर माना जाता है, गेम खिला सकते हैं, एक्सरसाइज करवाना, ये सबसे बेहतर होता है, चेतना सत्र को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 8वां इसी में प्रश्न, विद्यालय के बेहतर वातावरण का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। विद्यालय के बेहतर वातावरण के विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। आप समझे कि एक शिक्षक है, आप विद्यालय में जाते हैं और वहाँ का जो माहौल है, जहाँ का वातावरण जो है मतलब बेहतर नहीं है, तो आप बेहतर करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो है बच्चों को जो है मतलब बेहतर बनाने के लिए जो है प्रेरित करेंगे, साथ ही साथ सभी चीज़ों को ठीक ठाक करेंगे, जो वहाँ पर गलती हो, जो चीज़ जरूरी है उसको करने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे, जो चीज़ नहीं है जरूरी उसको हटाएंगे, सही ढंग से जो है सुचारू रूप से समय सारणी का प्रयोग करते हुए विद्यालय को चलाएंगे। तो इससे जो है वहाँ का वातावरण बेहतर बन सकता है, ये सभी गतिविधियाँ वहाँ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर प्रश्न है, शिक्षक प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी की उपयोगिता क्या है। देखिए, ऊपर भी प्रश्न पूछा गया था, या यहाँ भी प्रश्न पूछ लिया गया कि शिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी की महत्व क्यों है। तो देखिए, आज के समय में शिक्षा में ICT की मदद बहुत महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि आज के समय में शिक्षा के माध्यम से हम लोग ICT के माध्यम से जो है अपनी शिक्षा को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं, अपनी जानकारी दूसरे जानकारी दे सकते हैं, कहीं भी देश विदेश की जानकारी आसानी से ले सकते हैं, या कोई भी विद्यालय से संबंधित कार्यों को जो है आप घर बैठे कर सकते हैं, आसानी से अपने बायोडाटा को भेज सकते हैं ऊपर अधिकारी के पास। ये सभी चीज़ें करने के लिए, बच्चों से रिलेटेड शिक्षा के व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए, समय सारणी चाहे या आपका पाठ्यचर्या को लागू करना हो, किस तरह की गतिविधि करानी हो, या आप ले सकते हैं कि कैसे बच्चों को जो है नोट्स देना है, किस तरह से आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना है, ये सभी गतिविधियाँ इसमें शामिल हो जाएगी। अथवा प्रश्न है इसमें, कक्षाई शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। कक्षाई शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको आता है, इसका आंसर लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, समावेशी शिक्षा क्या है वर्णन करें। देखिए, समावेशी शिक्षा कहने का अर्थ है कि सभी को शामिल करके जो है पढ़ाया जाता है, उसमें किसी प्रकार की भेदभाव ना हो, सभी वर्ग धर्म संप्रदाय लोगों को शामिल करके पढ़ाया जाए, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट अथवा प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा हेतु कक्षाई शिक्षण में क्या क्या बदलाव करेंगे। तो इसका प्रश्न मैंने ऊपर आपको समझाया है कि बाल केंद्रित शिक्षा हेतु जो है विद्यालय में बहुत तरह के मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, बच्चों को जो है लचीला पढ़ाएंगे, बच्चों को जो है गतिविधि के माध्यम से पढ़ाएंगे, दोस्ताना व्यवहार रखेंगे, भयमुक्त करेंगे,
करेंगे बच्चों में, ताकि बच्चे आपके प्रति डरे नहीं, आपसे दोस्ताना व्यवहार करें और आपके विषय के प्रति रुचि बढ़ाएंगे, तभी बच्चे जो है बाल केंद्रित होकर पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट आपका इसी में 10वां 4वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या समझते हैं। ये प्रश्न मैंने अभी ऊपर बताया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। इसी में अथवा प्रश्न है, अनुपूरक शिक्षण की आवश्यकता क्यों है। जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री टीचिंग है, जो कि अनुपूरक शिक्षण होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है सीखने के लिए, भावी जीवन के निर्माण के लिए वो क्यों जरूरी है। बच्चों को जब शुरू में जब तक शिक्षा अच्छी तरह से नहीं दिया जाए तो आगे चल के उसका शिक्षा बेकार हो जाएगा, इसलिए जो है अनुपूरक जो शिक्षक होता है वो देना बहुत ही जरूरी है। आप इसको कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे 5वां प्रश्न यहाँ पर आपका है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व के बारे में बोले। आपका जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके आपको बारे में महत्व क्या है, क्या महत्व है इसके बारे में आपको पता होगा। आप डायरेक्ट कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। शिक्षक को अपने विकृत विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। शिक्षक को अपने विकृत विकास के लिए मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अपने आप में जो है बहुत सारी परिवर्तन करना चाहिए। साथ ही साथ नियम बंद होना चाहिए, समय पर आनी चाहिए, विद्यालय में अच्छे से पढ़ाना चाहिए, बच्चों से दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, ये सभी चीज़ें जो है परिवर्तन करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यों का उल्लेख करें, जो आपका नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, जो कि NCERT होता है, इसका कार्य क्या है आप बता सकते हैं। ये सभी देश में जो है एक तरह का शिक्षा व्यवस्था लागू करता है, साथ ही साथ पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए, साथ ही साथ बहुत सारी के संशोधन के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में अथवा प्रश्न पूछा है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों के बारे में बताया, जो डाइट का कार्य है इसका क्या है, डाइट का कार्य क्या है आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आप खुद डाइट में पढ़ते हैं, आप इसके बारे में खुद लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका लॉन्ग प्रश्न क्या है, तो लॉन्ग प्रश्न आप देख लीजिए, 7वां पूछा गया था, कला समिति शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश से एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव आप कैसे करेंगे। तो देखिए, विद्यालय परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बहुत तरह के बदलाव हो सकते हैं। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विभिन्न कलाकृतियाँ, विभिन्न कला के माध्यम से जो है बच्चों को सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न को बताएंगे, सब्जेक्ट से संबंधित मतलब बातों को बताएंगे, तो बच्चे जो है उसे आसानी से समझेंगे, सीखेंगे, तो ये चीज़ें हो सकती है इसमें। नेक्स्ट आपका है, विद्यालय में बेहतर प्रबंध हेतु प्रधानाध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। विद्यालय के बेहतर प्रबंध के लिए आप प्रधानाध्यापक के रूप में क्या करेंगे, तो आप अपने को जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक मान लें कि मैं इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ, और आप विद्यालय के बेहतर तरीके के लिए क्या करेंगे, तो ये बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। समय सारणी का प्रयोग करते हुए सभी चीज़ों का गतिविधि कराएंगे, विद्यालय में स्वच्छता के ऊपर ध्यान देंगे, समय पर ध्यान देंगे, बच्चे कैसे सीख रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे, क्या क्या कमी है उसको ध्यान देंगे, ये सभी चीज़ें देखकर विद्यालय को जो है बेहतर बना सकते हैं उसके प्रबंधन को। नेक्स्ट है, विद्यालय समुदाय के साथ दृढ़ संबंधों का पोषण करती है वर्णन। देखिए, विद्यालय और समुदाय के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि विद्यालय में बच्चे जो है समुदाय और समाज के बारे में बातों सीखती है, और समुदाय भी जो है विद्यालय के लिए अपेक्षाएं रखता है कि मेरा बच्चा विद्यालय में जा रहा है तो वह एक अच्छा मतलब चीज़ को सीख के आएगा, जो कि समुदाय के लिए बहुत ही जरूरी होगा, तो इसलिए जो इसके बीच गहरा संबंध है। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न आपका है, सीखने की योजना निर्माण के समय समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, सीखने की योजना निर्माण के समय किन किन बातों पर निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, क्या क्या आपने पढ़ाया, किस तरह से पढ़ाया, ये सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किन दो पर टिप्पणी करें, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के कार्य, सीखने का सृजनात्मक उपागम, पाठ्य सहगामी और शैक्षिक गतिविधियां, सर्व शिक्षा अभियान, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका पेपर A5 आ गया। A5 पेपर में जो है आपका 35 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 2 घंटे होते हैं, 7 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के बारे में, हिंदी है आपका। आगे बढ़ते इसमें देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है स्पष्ट करें। जो भाषा है वो क्या सिंबल है, भाषा जो है प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है इसको स्पष्ट करें। आप देख लेंगे वीडियो, आपको समझ में आएगा। भाषा को परिभाषित करें, भाषा क्या है, तो भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को बोलकर लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है, साथ ही साथ दूसरे की भाषा को समझता है, उसी को तो हम लोग भाषा कहते हैं। नेक्स्ट आपका 2वां प्रश्न है कि मानव भाषा और पशु पक्षियों भाषा के अंतर स्पष्ट करें। आपको पता होना चाहिए कि मानव भाषा और पशु पक्षियों के भाषा में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों के पास भाषा होती है। हम लोग भी अपने भाषा के माध्यम से ही अपने विचार को विनिमय करते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे भी जो होते हैं अपने भाषा के माध्यम से अपने आदान प्रदान करते हैं अपनी बातों को एक दूसरे से, इसके बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, शुरुआती पढ़ना क्या है, पढ़ने के इनमें महत्व पर प्रकाश डालें। देखिए, शुरुआती पढ़ना क्या है, बच्चे शुरुआती पढ़ना कैसे सीखते हैं, और पढ़ने में इसके महत्व पर प्रकाश डालें। बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, कठिन से कठिन वर्ड को सीखते हैं, लिखने का प्रयास भी हो जाता है, वर्ड अक्षर उनके दिमाग में छप जाता है, इसीलिए जो है शुरुआती पढ़ना बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसके बारे में लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका 3वां प्रश्न है। तो 3वां प्रश्न में बोला जा रहा है, भाषा की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें।
भाषा की तीन विशेषताओं का वर्णन कर लेंगे। भाषा क्या है, तो अर्जित संपत्ति नहीं होता है, इसे अनुकरण द्वारा सीखते हैं लोग, भाषा के द्वारा अपने विचारों को विनिमय करते हैं एक दूसरे की जगह, भाषा के माध्यम से सभ्यता संस्कृति के बारे में सीखते हैं, एक दूसरे पीढ़ी के द्वारा ट्रांसफर करते हैं, ये सभी बातें जो इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका अथवा है भाषा समाज के अंतर संबंधों को स्पष्ट करे, भाषा समाज के अंतर संबंध क्या है उसको स्पष्ट करे, भाषा के माध्यम से ही समाज के हम लोग अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं, समाज के गुण रीति रिवाज सीख सकते हैं, एक दूसरे को देखकर अनुकरण करके भाषा के माध्यम से अपने समाज के सभी गुणों को सीखते हैं। नेक्स्ट आपका चार नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में आठवीं अनुसूची में क्या कहा गया है, किसमें महत्व दिया गया है, तो आठवीं अनुसूची के बारे में आप देख लेंगे, इसमें जो है भाषा के बारे में कहा गया है, कितने भाषा को शामिल किया गया है आप इसके बारे में देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका बच्चों के आरंभिक लेखन कौशल विकास में शुरुआती लेखन के महत्व पर प्रकाश डाले, बच्चों के जो आरंभिक लेखन कौशल है जो कि शुरुआती लेखन है, आपने देखा होगा कि बच्चपन जब जन्म लेते हैं बच्चा छोटा छोटा, तो वो बच्चे जो कुछ भी चीज़ लेंगे और दीवार पर लेकर घसना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होता है बच्चे में लिखने की जो शक्ति होती है वो तीव्र गति से उत्पन्न होने लगती है, और अगर बच्चे को वहाँ पर रोक टोक देंगे तो उनका लेखन कार्य जो होता है प्रभावित होता है, इसलिए बच्चे को आप रोके नहीं, उसको जो लिखने का मन करे उसे बोर्ड पर दीवाले पर जहाँ मन है उसे लिखने दें, क्योंकि बच्चे का वही शुरुआती लेखन कार्य स्टार्ट होता है, और बच्चे जो होता है ये आड़ी तिरछा रेखा खींच कर वो अपनी भावों व्यक्त करते हैं, उनके अनुसार उसमें बहुत कुछ छुपा होता है, हम लोग को लगता है कि ऐसे ही कुछ पार रहा है पाई पार दिया इधर उधर मतलब पाई पार दिया, लेकिन बच्चे उसके अनुसार बहुत कुछ अपने भावों को व्यक्त करते हैं, इसलिए जो है बच्चों में आरंभिक लेखन कौशल विकास के लिए आप उनसे राजी हो जाए और उनको फ्री ऑफ मतलब माइंड कर दें, उनको लिखने दें, किसी तरह का रोक टोक नहीं करें। नेक्स्ट आपका पाँच नंबर है, भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने के क्या अंतर है, देखिए भाषा अर्जित करना और भाषा सीखने में बहुत अंतर है, आप इसके बारे में लिख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में प्रश्न है, भाषा सीखने में कल्पनाशीलता की भूमिका क्या है, कल्पनाशीलता की भूमिका भी जो है महत्वपूर्ण है, कल्पना करके भी जो है हम भाषा को सीख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट आपका लॉन्ग आ गया, लॉन्ग प्रश्न में जो है स्क्रीनर के अनुसार भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं इसके ऊपर बात कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेक्स्ट जो है टिप्पणी करना था जिसमें त्रिभाषा सूत्र क्या है, हिंदी इंग्लिश और मातृभाषा, फिर आपका जो है भाषाई अर्जन क्षमता क्या है, संवाद संरचना क्या है, तो इसके बारे में आप लिख लेंगे, यह प्रश्न आपका A5 का था। आगे बढ़ते हैं, अब F6 की तरफ चलते हैं, तो F6 में जो है आपको पढ़ना है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में, इसमें आपका 35 नंबर का एग्जाम होता है, 2 घंटे होते हैं, 7 प्रश्न होते हैं और 6 F6 आपका पेपर कोड है जिसमें आपको शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ना है। चलते हैं इसके प्रश्न को देखते हैं जो कि 2020 में पूछा गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग देखेंगे। नेक्स्ट पहला प्रश्न यहाँ देख ले, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रवृत्ति और प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। देखिए समावेशी शिक्षा मतलब सभी को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए, तो इसके लिए जो है आकलन की प्रकृति और प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। अब समावेशी शिक्षा देनी है तो किस तरह से आकलन करेंगे, किस तरह से जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या कोई भी बच्चे हैं तो किस तरह से उसका आकलन करेंगे, इसके बारे में आप लिख लेंगे। इसी में आपको अथवा प्रश्न पूछा था कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, इसकी आवश्यकता विद्यालय शिक्षा पर क्यों पड़ी। देखिए समावेशी शिक्षा के तात्पर्य क्या है, सभी धर्म संप्रदाय लोगों को बिना भेदभाव किए सभी बच्चों को एक समान एक कक्षा कक्ष में शिक्षा दी जाती है, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं, और इसकी आवश्यकता विद्यालय शिक्षा पर क्यों पड़ी, बहुत ही जरूरी पड़ी, क्योंकि विद्यालय में जो है अनेक तरह के बच्चे आते हैं, इसलिए जो इसकी जरूरी पड़ी, मान लें कोई डिसेबल बच्चा आ जाता है तो उसको पढ़ाया समान बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो समझ नहीं पाएगा, इसीलिए जो उसको विशेष शिक्षण देना चाहिए, इसके लिए जो है समावेशी शिक्षा जो है बेहतर तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट आपका दोनों प्रश्न है, भारतीय समाज में समावेश और अपवर्जन के विभिन्न स्वरूपों का अर्जन करें, जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है इसके बीच आप डिफिनेशन कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका इसी में अथवा प्रश्न, एक शिक्षक को विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, इस कथन का विश्लेषण करें, एक शिक्षक को विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, इस कथन को आपको विश्लेषण करना है, आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, काफ़ी मेरा गला भी बैठ रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप सभी को प्रश्न बता दूं एक ही वीडियो में। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दिव्यांग के संदर्भ में पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। देखिए तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दिव्यांग हो या दृष्टिबाधित हो या श्रवण बाधित बच्चे हो, तो उनके लिए जो है पाठ्यचर्या जो है या पाठ्यक्रम जो है अनुकूल बनाने के लिए आप निम्न तरह के जो है उसमें गतिविधि जोड़ सकते हैं, गतिविधि के साथ साथ बहुत तरह के शिक्षण जो विधियाँ होती है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, तो उसको भी जोड़ेंगे ताकि उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शैक्षिक चुनौतियाँ की चर्चा संक्षिप्त में करें। देखिए
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षिक चुनौतियाँ क्या आएगी। अगर मान लें किसी बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जल्दी समझ नहीं पाएगा, उसे देखने में कठिनाई होगी, समझने में दिक्कत आएगी, तो इस तरह की जो परेशानी है आप अपने आप को वहाँ रखेंगे और अपने आप अनुसार लिख लेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में जेंडर विभेद की स्वरूप क्या है। तो आधुनिक समाज में जो है जेंडर विभेद जो है अभी तो हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत जो है कम हुआ है पहले की अपेक्षा, तो इसके बारे में आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है, पितृक सत्ता परिवार की विशेषता करें, और इधर कैरेक्टर ऑफ पैट्रियार्कल फैमिली, मतलब पितृक सत्ता क्या है जो पारिवारिक चला रहा है इसके ऊपर आप डिफाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न आपका जो है 5 नंबर, बालिका शिक्षा हेतु भारत में क्या कदम उठाए गए। तो बालिका शिक्षा हेतु भारत में जो है बहुत तरह के कदम उठाए गए हैं, आप देख लेंगे कौन कौन सी योजना चालू की गई उसके ऊपर आप लिख देंगे। नेक्स्ट है, बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए परिवार और समुदाय की भूमिका का वर्णन कर। देखिए, बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले परिवार और समाज की भूमिका जो है अत्यंत है, क्योंकि परिवार जब मान लेंगे कि हमें बच्चियों को पढ़ाना है और समुदाय भी जो है या समाज भी जो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ बच्चियों को भी पढ़ना जरूरी है, तो ये जरूरी है कि जो महिला जो बालिका शिक्षा जो है वो सशक्त बन सकती है, क्योंकि पहले जो होता था परिवार और समाज ही जो होता है बच्चियों को पढ़ने के लिए मना कर देता था, लेकिन अभी जो है चेंज आई है, बहुत सारे समाज बहुत सारे परिवार जो है इसको हटा दिया है, बहुत सारे लोग जो है समान शिक्षा व्यवस्था दोनों को दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था जो कि बालक हो या बालिका हो। 6 नंबर है, समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दिव्यांग के सीखने के लिए शिक्षा के स्वरूप का वर्णन करें। अगर मान लें कि दिव्यांग वाले बच्चे हैं तो उनको जो है समावेशी कक्षा में कैसे बच्चों को सिखाएंगे, तो इस तरह के लिए जो आप क्या क्या गतिविधि करा सकते हैं उसके ऊपर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी करें, जैसे समावेशी और शिक्षार्थी के लिए मैत्रीपूर्ण कक्षा, कक्षाओं में विविधता और असमानता, नारीवाद, महिला सशक्तिकरण, जेंडर समावेशीशीलता और जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए, नारी महिला सशक्तिकरण, महिला को जो है अपने अधिकारों के बारे में बताएं, फिर आपका आ गया जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका, किसी प्रकार की जेंडर विभेद ना हो, सभी को समान शिक्षा की भूमिका हो, कक्षाओं में विविधता क्या है, मतलब क्या क्या वहाँ पर आपको विभिन्नता देखने को मिलती है और असमानता क्या क्या देखने को मिलती है उसके बारे में आप लिख लेंगे। इस तरह के अलग अलग बच्चे समुदाय के लोग आते हैं, उनके रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान अलग अलग होता है, तो वही विविधता और असमानता हो गया। समावेशी आप जानते ही हैं कि सभी को शामिल करके कक्षा कक्षा में सभी को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला आपका पेपर जो है F7 है, इसमें आपको पढ़ना है जो 35 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे होंगे, 7 प्रश्न होंगे, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल के बारे में, गणित शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर के बारे में पढ़ना है। चलते हैं इसके प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख लें, यहाँ पर पूछ लिया गया है गणितीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। देखिए, तो आपको पता है कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो है गणित का प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आप लिख लेंगे, गणितीकरण हो जाएगा आपका। गणितीकरण मतलब कि गणित सही, जो बच्चे गणित का प्रयोग करने लगे सही ढंग से उसके अंदर गणितीकरण का विकास हो चुका है। नेक्स्ट, आपका इसी में प्रश्न पूछा गया था हमारे दैनिक जीवन में गणित का महत्व के बारे में समझाएं। तो मैंने आपको अभी बताया ना, सुबह उठने के बाद और सोने से पहले हम लोग गणित का ही प्रयोग करते हैं, कितना घंटा सोए, कितना खाए, कितना पढ़े, कहाँ गए, कैसे गए, कितना गए, कितना किलोमीटर गाड़ी चलाई, सभी में गणित का प्रयोग है। 2 नंबर प्रश्न है, बच्चों को गणित सिखाने में मजा आए इसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए, बच्चों को गणित सिखाने में मजा आए या गणित सीखने में मजा आए तो हम इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कर सकते हैं, खेल के माध्यम से बच्चों को गणित की अवधारणा को समझा सकते हैं, इसे आसानी से बच्चे समझ लेंगे और आनंदपूर्वक होकर समझ लेंगे। नेक्स्ट, आपका प्रश्न है, संख्या के पूर्ण अवधारणा के विकास से आप बच्चों के किस प्रकार मतलब प्रकाश करेंगे, वर्णन कर। देखिए, संख्या की पूर्व अवधारणा का विकास आप बच्चों में किस प्रकार करेंगे, जो संख्या होती है बच्चों को आप कैसे समझाएंगे, इसके लिए जो है बहुत सारी गतिविधियां कराकर दैनिक जीवन के वस्तुओं का उपयोग करके दैनिक जीवन से रिलेट करके बच्चों को बताएंगे, वो समझ जाएंगे, इसके बारे में आप आंसर ढूंढेंगे लिखेंगे। क्योंकि मैं आपको इतना प्रश्न करवा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा वीडियो बन रहा है, फिर भी पूरी कोशिश है कि मैं करा दूँ। 3 नंबर प्रश्न है, गिनती की अवधारणा का परिचय बच्चों में आप कैसे कराएंगे, गिनती की अवधारणा का परिचय जो है आप बच्चों में कैसे कराएंगे, तो गतिविधि कराकर उसके दैनिक जीवन से जोड़कर जो है आप बता सकते हैं बच्चों को। तो ये चीज़ें हो सकती है इसमें कि बच्चों में जो है गिनती का जो परिचय है कैसे कराएंगे, उसके दैनिक जीवन से रिलेट करके आप जो है ठोस वस्तुओं का प्रयोग करके जो है बच्चों में गिनती की अवधारणा विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मापन सीखने के लिए क्रम में मापन सीखने के क्रम में बच्चों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, उदाहरण द्वारा। देखिए, मेजरमेंट के बारे में बच्चों को अगर बता रहे हैं तो उनके द्वारा गलतियाँ की जाएगी, तो उस गलतियाँ का उपयोग जो है किस प्रकार किया जा सकता है उसके उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। बच्चे जो है नापने में किस तरह की गलती करेंगे उसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, बच्चों में आयतन की अवधारणा आप किस तरह विकसित करेंगे उसके बारे में आप विश्लेषण कर लें। बच्चों में जो है वॉल्यूम की जो होता है उसकी विकसित अवधारणा कैसे करेंगे, बच्चों को जो है आप आयतन के बारे में कैसे बताएंगे उसके बारे में आप बता सकते हैं।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है, खेल खेल में गणित सीखने के क्या अभिप्राय है? तो बच्चे जो है खेल के माध्यम से गणित को सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? काउंटिंग हो, जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, ये सभी जो है आप बच्चों को खेल के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ खेल बच्चों को आनंददायी देता है, इसलिए जो है बच्चों को खेल के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को आसानी से आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर है, मानक एवं अमानक इकाइयों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। जो आपका स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसके आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आप बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गणितीय संक्रियाएं एवं उनके अंतर संबंध के बारे में व्याख्या करें। क्या उसके बीच में ऑपरेशन और इंटर रिलेशनशिप है, उसके बारे में आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, आप इसका आंसर देख लेंगे। आगे जो आपका लॉन्ग प्रश्न जो है 2 पूछा गया था, जो कि गणित के प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करें। तो गणित की प्रकृति मतलब कहने का अर्थ है गणित का उपयोग, उसका महत्व, उसका भी अवधारणा सभी के बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट आपका है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी करें, जैसे स्थानीय मान, जैसे उदाहरण 100 का स्थानीय मान क्या है, इतना का स्थानीय मान क्या है, इस तरह होता है, आंकड़ा क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लेंगे इसको एक बार। अब पेपर एफिट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एफिट में जो है आपको पढ़ना है हिंदी का शिक्षण 7 प्राथमिक स्मरण, जो कि 2 घंटे का होता है, 7 प्रश्न पूछे जाते हैं और 35 मिनट का आपका 35 नंबर का एग्जाम होता है। देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको बता दूं काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, मैं भी थक गया हूं क्योंकि मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा तेज़ी में इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसे क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व के बारे में चर्चा करें। हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व क्या है, इसके बारे में आप भी चर्चा कर लेंगे कि हिंदी क्यों जरूरी है, उसका महत्व क्या है। नेक्स्ट, इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था, हिंदी शिक्षण में पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक के महत्व को संक्षेप में बताएं। हिंदी शिक्षण में पाठ्यचर्या की जरूरत क्यों है, पाठ्यक्रम की जरूरत क्यों है और पाठ्यपुस्तक की जरूरत क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। तीनों के बारे में, मतलब सिलेबस, करिकुलम और टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट आपका 2 नंबर प्रश्न था, सुनने के कौशल से आप क्या अभिप्राय है, सुनने के कौशल से आप क्या अभिप्राय है, सुनने के कौशल जो है बच्चों में कैसे विकसित होता है, किस तरह से विकसित होता है, कब होता है, इसके बारे में आप लिख लेंगे। नेक्स्ट, इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था, प्रारंभिक कक्षा में हिंदी पाठ्य पुस्तक का स्वरूप कैसे तैयार होना चाहिए। देखिए, प्रारंभिक कक्षा में हिंदी पाठ्य पुस्तक का स्वरूप जो होता है बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक के अनुरूप होना चाहिए कि बालक को जो है जिस चीज़ में मन लगता है उसी के अनुसार उसमें उपयोग करके उनका पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है पाठ्य पुस्तक पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, आसानी से वो आनंद रुचि होकर पढ़ सके। इसी में जो आपका 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा शिक्षण में इसका क्या महत्व है। देखिए, तो मातृभाषा आपको पता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद वो अपने माँ के साथ रहता है, अपने परिवार, अपने परिवेश में रहता है, तो वहाँ पर जो है अपने मदर टंग को सीखता है और मातृभाषा जो होता है उनके शिक्षण में जो होता है भाषा शिक्षण में काफ़ी योगदान होता है, क्योंकि बच्चे जो होता है मातृभाषा के माध्यम से ही जो होता है वो शिक्षा को और अपने भाषा शिक्षण को जो है बेहतर बना सकता है। नेक्स्ट है आपका, पठन कौशल से आप क्या समझते हैं, पठन और पढ़ना, पठन कौशल से जो है अभिप्राय यही है कि बच्चे जो होते हैं पढ़कर विभिन्न तरीकों से पढ़ते हैं, बच्चे जो होते हैं लाउड स्पीकिंग, साइलेंट स्पीकिंग, कोई बच्चा चिल्लाकर पढ़ता है, कोई धीमे गति से पढ़ता है, कोई मौन पढ़ता है, तो ये सभी पढ़ने के तरीके हैं। लेकिन इससे यह होता है कि पढ़ने के दौरान बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं, पढ़ते पढ़ते वो लिखना भी सीख लेते हैं, तो इससे यही सब अभिप्राय है, आप इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को चर्चा करें। पाठ्यक्रम का क्या अभिप्राय है और हिंदी जो आपका प्राथमिक स्तर के हिंदी के जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसका कैसा होना चाहिए, उसके उद्देश्यों पर चर्चा करना है, आपको लिख लेंगे इसका आंसर। इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर में बच्चों के सुनने एवं बोलने की क्षमता विकास में कविता एवं कहानी की भूमिका को बताइए। देखिए, बच्चे को प्राथमिक स्तर पर कविता और कहानी सुनाते हैं तो बच्चे उस कहानी और कविता को सुनकर बहुत सारी चीज़ों को जो है सुनते हैं और बोलना भी सीख लेते हैं, तो इसलिए जो है जरूरी है, बाल आपने सीखा होगा, बाल साहित्य पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के पुस्तक देखते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देखेंगे, कहानियाँ सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जो होता है बच्चों के अंदर प्राथमिक स्तर पर जो है सुनने और बोलने की क्षमता जो होता है विकास हो जाता है, वो कहानी सुन सुनकर, कविता सुन सुनकर उनके अंदर बोलने और सुनने की शक्ति विकसित हो जाता है। नेक्स्ट आपका इसी में प्रश्न है 5 नंबर, विभिन्न भाषाई क्षमताओं के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होगी। तो देखिए, विभिन्न भाषाई क्षमताओं के विकास में शिक्षक की भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो होती है भाषाई क्षमताओं के माध्यम से सीखते हैं, जिसमें जो है शिक्षा की भूमिका अत्यंत होती है, शिक्षा की जो होता है सही ढंग से उनको बताते हैं, समझाते हैं। नेक्स्ट अथवा इसी में प्रश्न था, श्रवण कौशल के विकसित करने के लिए क्या क्या उपागम हो सकते हैं, उपागम। देखिए, तो सुनने कौशल, बच्चों में सुनने की कौशल को विकसित करने के लिए आप उनको कहानी सुना सकते हैं, कविता सुना सकते हैं, श्रवण सामग्रियों का उपयोग करके उनको बढ़ा सकते हैं, विभिन्न तरह की आकृतियाँ बताकर उनके बारे में बताएंगे, तो बच्चे के अंदर जो होता है श्रवण शक्ति जो होता है विकसित हो जाता है, सुनने कौशल का विकास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका लॉन्ग प्रश्न आ गया, जो कि इसमें 2 प्रश्न है, बिहार पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2008 के अवलोकन में हिंदी पाठ्यचर्या पुस्तक का उद्देश्य क्या है।
देखिए बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के अवलोकन में हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है उदाहरण सहित स्पष्ट करें। आपको ये बिहार वाला पूछा है, बीसीएफ 2008 और एनसीएफ 2005 वाला भी पूछ सकता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखे, जैसे हिंदी शिक्षण में बिहार के प्रमुख बोलियाँ का योगदान क्या है। बिहार में प्रमुख बोलियाँ होती है, हर 10 किलोमीटर के बाद जो होता है बोली चेंज हो जाती है, तो उसकी क्या योगदान है हिंदी शिक्षण में। पढ़ने की प्रक्रिया में विभिन्न सोपना क्या है, पढ़ने की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की सोपना है उसके बारे में बताना है। मिथक क्या है, हिंदी भाषा सीखने में संकेतक क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ये आपका प्रश्न हो गया, आगे बढ़ते हैं, आप देख लेंगे ये सभी प्रश्न को। अब हम बात करते हैं F9 पेपर के ऊपर। तो F9 पेपर में जो आपको पढ़ना है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में, जिसमें आपका 35 नंबर का एग्जाम होता है, 2 घंटे समय होते हैं, 7 प्रश्न होते हैं। देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न जो है 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, तो पूछा गया था मेक ए लिस्ट ऑफ 10 इंग्लिश वर्ड डैट कॉमन पीपुल यूज देयर डेली लाइफ, ऑल्सो फ्रेम 5 सेंटेंस आउट ऑफ देम। देखिए आपको बताना है कि 5 ऐसे इंग्लिश सेंटेंस का, मतलब आपको 10 इंग्लिश वर्ड का जो है प्रयोग करना है जो कि कॉमन पीपल यूज करते हैं इन डेली लाइफ में, और उसको जो है 5 सेंटेंस में भी जो है प्रयोग करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 सेंटेंस को लिख दे, 10 सेंटेंस बना दे जो व्यक्ति जो है डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं, उसको बारे में लिखना भी है, सेंटेंस ही बना देना है। नेक्स्ट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफिशिएंसी एंड अचीवमेंट इन कंटेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए प्रोफिशिएंसी और अचीवमेंट ये काफ़ी जरूरी है, प्रोफिशिएंसी और अचीवमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए प्रोफिशिएंसी मतलब किसी को लगातार करके सीख जाना, अचीवमेंट मतलब कि हमेशा के अचीव किया है, प्रोफिशिएंसी मतलब सीखा है, अचीव किया है, इस तरह से दो होते हैं इसमें डिफरेंस, आप सीख लेंगे इसके बारे में। एक्सप्लेन द 4 बेसिक स्किल नीड टू डेवलप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। देखिए इसमें आपने पढ़ा होगा लिसनिंग स्पीकिंग थिंकिंग नहीं होता है रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, ये 4 जो स्किल होते हैं आप क्रमबद्ध में कर लेंगे, इसको मैं आप क्रमबद्ध में नहीं बता रहा हूँ। देखिए आप स्वर के ऊपर से आएंगे, तो सबसे पहले क्या होता है कान आता है, तो सुनना, उसके बाद बोलना, फिर आप लिखेंगे तब पढ़ेंगे, इस तरह से होता है ना। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, इसका स्किल डेवलप के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट और प्रश्न पूछा गया था एज ए रिपोर्टर ऑफ न्यूज़पेपर राइट ए रिपोर्ट अबाउट रोड एक्सीडेंट योर टाउन। मतलब मान लें कि आप एक मतलब रिपोर्टर है, न्यूज रिपोर्टर है, और आपके टाउन में आपके शहर में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसके ऊपर आप रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में आपको लिखना है। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में लिख लेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्सप्लेन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ईयर के लिए, यह हमेशा पूछा था स्कीमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, विथ एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर प्रश्न है व्हाट आर द प्रॉब्लम यू फेस योर क्लास व्हाइल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए जब आप बच्चों को टीचिंग लैंग्वेज मतलब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आप कक्षा कक्ष में क्या मतलब प्रॉब्लम, क्या आपको चुनौतियाँ देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बच्चे को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, वो एक बार में नहीं समझ पाते हैं, वह इंग्लिश से दूर भागते हैं, इंग्लिश से हीन भावना है उसके अंदर, तो ये सभी चुनौतियाँ इसमें लिख सकते हैं। फिर आपका 8वां प्रश्न है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन योर एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो आपका वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है वैश्वीकरण के लिए। तो आपको पता है इंग्लिश का प्रयोग हम पूरे विश्व में करते हैं अपने ट्रांजेक्शन के लिए, या अपने वातावरण जो आपका यातायात होता है, या आपका व्यापार के लिए, बहुत सारी चीज़ें के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज जरूरी है। इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज पूरे विश्व में बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है प्रश्न मेक द लिस्ट ऑफ वर्ड यूज हेयर HRLKP साउंड आर नॉट प्रोनाउंस। मतलब आपको जो है साइलेंट वर्ड का प्रयोग करना है, जो कि ये HRLKP ये सभी साइलेंट वर्ड, ऐसे वर्ड का मतलब बनाना है जो कि प्रोनाउंस ना हो, ये सभी प्रोनाउंस ना हो, मतलब आपको साइलेंट वर्ड यहाँ लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटोनेशन विथ एग्जांपल, इंटोनेशन का मतलब क्या होता है, और आपको इसके एग्जांपल भी देते हुए बताना है। ये ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका लॉन्ग प्रश्न आएगा, दो प्रश्न होंगे, आप देख ले, आपके 2 प्रश्न होते हैं 10 नंबर का, एक ही प्रश्न होते हैं आपको लिखना होता है। देखिए यहाँ पर एनी वन क्वेश्चन देना होता है। देखिए इलुस्ट्रेट इन डिटेल सम स्ट्रैटेजी टू डेवलप द स्पीकिंग स्किल इन योर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। मतलब कि आप अपने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए क्या क्या आप स्ट्रैटेजी क्या क्या आप स्ट्रैटेजी का प्रयोग करेंगे। मतलब इलुस्ट्रेशन इन डिटेल, अच्छे से क्या क्या स्ट्रैटेजी प्रयोग करेंगे कि आपके कक्षा 5 के बच्चों में जो है स्पीकिंग स्किल जो है डेवलप कर पाए। उसी तरह आपका शॉर्ट में पूछा गया था एनी 2 लिखना होता है लाउड एंड साइलेंट रीडिंग, बोल्ड से पढ़ना और धीरे से पढ़ने में क्या अंतर है, एक्टिव वोकैबुलरी एंड पैसिव वोकैबुलरी, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच एंड होमोफोन्स विथ एग्जांपल होमोएंस, इसके बारे में एंटोनिम एंड साइनोनिम भी देख लेंगे, एंटोनिम एंड साइनोनिम भी इसमें आता है, वो भी आप देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आपका पेपर आपका जो F10 आ गया, तो F10 में देख लेते हैं आपको पढ़ना है पाठ्यचर्या
पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पढ़ना है, जो कि आपका 2 घंटे का समय का एग्जाम होता है, 35 नंबर होता है, पेपर आपका F10 है, 7 प्रश्न होते हैं। तो देख लेते हैं कि आपको पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण से संबंधित व्याख्या करें, यही प्रश्न पूछेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न, पर्यावरण तथा शिक्षा के बीच संबंधों की व्याख्या करें। पर्यावरण तथा शिक्षा के बीच बहुत सारे संबंध है, क्योंकि पर्यावरण के माध्यम से हम लोग बहुत सारे शिक्षा को सीख सकते हैं और शिक्षा के माध्यम से अपने पर्यावरण को संरक्षण कर सकते हैं। इसके बारे में आप लिख लेंगे। अथवा प्रश्न इसी में है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के विकास में पर्यावरण अध्ययन की भूमिका को स्पष्ट करें। देखिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के विकास में पर्यावरण अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में जो है पर्यावरण से रिलेटेड सभी चीज़ें जानकारी देती है, दैनिक जीवन से रिलेटेड जानकारी देती है, साथ ही साथ शिक्षा से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। इसलिए जो है पर्यावरण अध्ययन के प्रति जो है जागरूकता विकास के जो जरूरी है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 2 नंबर है, छात्रों को पर्यावरण शिक्षा देने के लिए विद्यालय किस प्रकार एक सशक्त माध्यम है, व्याख्या कर। देखिए, तो छात्रों को पर्यावरण शिक्षा देने के लिए विद्यालय एक बहुत ही अच्छा सशक्त माध्यम है, क्योंकि विद्यालय में जो है प्रत्येक कार्यक्रम के द्वारा, प्रत्येक जो पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है पेड़ लगाना, बच्चों को उसके बारे में बताना, पेड़ के संबंधित जानकारियाँ बताना, महत्व बताना, उसका नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव बताना, इसीलिए जो है जरूरी है, इससे जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए जो है विद्यालय को जो है सशक्त माध्यम माना जाता है, क्योंकि विद्यालय में जो है प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ नया एक्टिविटी, कुछ न कुछ नया कार्यक्रम के द्वारा जो है बच्चों को पर्यावरण संबंधी जानकारियां दी जाती है, उसके संरक्षण, उसके उपयोग, उसके महत्व को बताया जाता है। अगला प्रश्न इसी में अथवा है, परिवेश के किस प्रकार के बच्चों के पर्यावरण शिक्षण का आधार है। परिवेश किस प्रकार के बच्चों के पर्यावरण शिक्षण का आधार है, इसके बारे में लिख देंगे आप। इजी प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, मैं थक चुका हूँ, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पूरे F12 करूंगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण विधियाँ पर संक्षिप्त विवरण दे। पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षण विधियाँ है क्या क्या है उसके बारे में आप, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है बता सकते हैं, किस किस विधि के द्वारा जो है पर्यावरण अध्ययन को आप पढ़ा सकते हैं। तो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन सह व्याख्यान विधि, रोल प्ले विधि, सब की चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट इसी में जो है, क्षेत्र भ्रमण को पर्यावरण शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्यों। देखिए, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से जो है बच्चे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखेंगे, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण संबंधित चीज़ों को देखेंगे, तो उनसे असमंजस स्थापित करेंगे, साथ ही साथ उनके महत्व, उनके विशेषता, उनके उद्देश्य को समझेंगे। इसलिए जो है जरूरी है कि बच्चों को जो है क्षेत्र भ्रमण कराएं, साथ ही साथ जो पर्यावरण में संबंधित जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उन सभी से भेंट कराएं और उनके उपयोग, उसके महत्व, उनके उद्देश्य को बताएं। नेक्स्ट आपका है, पर्यावरण अध्ययन के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्रम में आने वाली चुनौतियां पर प्रकाश डालें। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्रम में आने वाली चुनौतियों का प्रकाश डालें। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा, ये सभी जगह पूछे जाएंगे, आप इसके बारे में लिख ही देंगे। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में ब्राह आंतरिक गतिविधियों की संरचना पूर्व योजना किस प्रकार से सहायक है। देखिए, पूर्व योजना किस प्रकार से है, तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन में संदर्भ में ब्राह आंतरिक गतिविधियां जो कि बाहर कराई जा सके, अंदर भी कराई जा सकती है, और ये पूर्व योजना जो कि हम लोग लेसन प्लान से बनाते हैं, तो इसकी क्या मतलब सहायक है, कैसे सहायक है, इसके बारे में आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका 5वां प्रश्न इसी में है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रकृति एवं प्रयोगशाला की तरह उदाहरण द्वारा व्याख्या करें। देखें, पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रकृति एक प्रयोगशाला की तरह, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की जानकारी अगर देना है तो बच्चों को प्रकृति में लेकर जाकर देंगे, तो बच्चे वहाँ पर लाइव चीज़ों को देख पाएंगे, लाइव चीज़ों को जो है समझ पाएंगे, उनके महत्व, उनके उद्देश्य को समझ पाएंगे। इसीलिए जो है प्रकृति को ही जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयोगशाला माना गया, क्योंकि प्रकृति के माध्यम से जो है बच्चे पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न चीज़ों को सीख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बच्चों के स्वरूप और आसपास के परिवेश के पेड़ पौधे और आसपास की गतिविधियों को जोड़ कर देना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उस तरह की गतिविधियों को सीख पाए और उन्हें परिवेश को जान पाए, साथ ही साथ प्राथमिक स्तर में जो पाठ्यक्रम है और जो पर्यावरण अध्ययन के विषय है उसे समझ पाए। आगे बढ़ते इसके लॉन्ग प्रश्न को देख लेते हैं, तो लॉन्ग प्रश्न इसमें 2 है जिसमें एक ही करने होते हैं। पर्यावरण शिक्षण में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रकाश डालें। पर्यावरण शिक्षण में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर प्रकाश डालना है कि नहीं, 2 पर टिप्पणी करें। जैसे देखें, चाइल्ड प्रोफाइल क्या होता है आप जानते हैं, इसमें बच्चों की गति के ऊपर लिखा जाता है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या क्या सीखे, कितना सीखे, क्या कमी है, उसके बारे में प्रयोगशाला भी दी। प्रयोगशाला मतलब कि आप जाकर लेबोरेटरी मेथड से जो आप पढ़ाते हैं प्रयोग में, मतलब उसके बारे में जानते हैं, जैसे मान लें कोई मीटर ले लो, उसके ऊपर आप प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि में जाकर उसके ऊपर मतलब आप एक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, वही बात हुआ। वायु प्रदूषण क्या है, इसके बारे में आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप जानेंगे पेपर F11 जिसमें जो आपको कला समेकित शिक्षा के बारे में पढ़ना है। कला समेकित शिक्षा जो कि आपका F11 पेपर है, 2 घंटे का समय होता है, 40 नंबर का एग्जाम होता है, 8 प्रश्न होते हैं, इसमें 2 लॉन्ग प्रश्न लिखने होते हैं, बाकी ऊपर वाले पेपर में एक एक होते हैं, आगे वाले 4 पेपर में 4-4 होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन को।
तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था पहला, कला से आप क्या समझते हो, वर्णन करें, व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट, आर्ट क्या है। तो कला क्या है, कला एक मतलब सौंदर्य है, सुंदरता है, जो कि सभी व्यक्तियों के अंदर होता है, कुछ ना कुछ कला छुपा होता है। कला कहने का मतलब केवल डांस नाटक ही नहीं होता है, पढ़ना लिखना गाना सुनना बोलना सभी चीज़ का कला है, रहना रहन सहन व्यवहार भी ये सब की कला ही होता है। इसी का अथवा प्रश्न था, कला शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें। कला शिक्षा की अवधारणा जो है बहुत ही जरूरी है, बच्चे कला शिक्षा के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार के चीज़ों को समझ सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। कला की शिक्षा की अवधारणा जो है बच्चों के भावी जीवन के निर्माण में भी सहायक होता है, और कला की शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए कला समेकित शिक्षा क्यों जरूरी है। देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कला समेकित शिक्षा जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत सारी कलाकृतियाँ को देखकर उनके अंदर भी जो है उस कलाकृतियाँ करने की जो है क्रिएटिविटी तौर पर विकसित होती है, जो कि उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है बहुत ही ज़्यादा योगदान देती है। इसी में आपका अथवा प्रश्न था, कला समेकित शिक्षा से आप क्या समझते हो, वर्णन करें। कला समेकित शिक्षा से क्या समझते हैं, कला समेकित शिक्षा कहने का अर्थ है किसी भी विषय वस्तु को कला समेत कला के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए तो बच्चे जो है कला को देखकर बच्चे आसानी से सीख लेंगे, साथ ही साथ जो है रुचिमय तरीके से नाटक विधि के द्वारा रोल प्ले मेथड के द्वारा जो है आसानी से सीख लेंगे, इसीलिए जो है कला समेकित शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभिक कक्षाओं में कला का उपयोग करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में कला का उपयोग करने के लिए हम निम्न प्रकार के नाटक गतिविधि करा सकते हैं, किसी भी विषय वस्तु को उठाकर उस पर रोल प्ले एक्ट करवा सकते हैं, इससे बच्चे आसानी से समझेंगे, साथ ही साथ बच्चे आनंद लेंगे और उन्हें बोरिंग समझ में नहीं होगा, वो आसानी से विषय वस्तु को समझ सकते हैं। बच्चों को सीखने सिखाने में प्रदर्शन कला किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है आप बताएं। देखिए, तो बच्चों को सीखने सिखाने में प्रदर्शन कला बहुत ही उपयोगी माना जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा फिल्म देखता है तो उसकी पूरी कहानी याद होता है, लेकिन वही पढ़ता है तो कुछ समय तक याद होगा फिर भूल जाएगा। इसीलिए जो है बच्चों को कला समेकित शिक्षा के माध्यम से जो है प्रदर्शन कला को दिखाकर किसी भी चीज़ के बारे में अगर बच्चों को आप बताते हैं तो वो याद रखेगा लेकिन भूल जाएगा, लेकिन अगर उसके सामने अगर उस चीज़ को प्रदर्शन कर लेते हैं, उसके चीज़ को दिखाकर बताते हैं, तो बच्चे जो है जीवन भर याद रखता है। अगर बता दें कि बच्चे ये 5 आम है तो आप बता दिए कि 5 आम है तो कुछ समय तक याद रहेगा कि 5 आम है, लेकिन बच्चों को वही रियल 5 ठोस अनुभव कराएंगे, ठोस अनुभव कहने का कि उसके हाथ में दे देंगे कि ये लो बच्चे 5 आम, तो बच्चे उसे जीवन भर याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए जो बहुत जरूरी है प्रदर्शन कला। नेक्स्ट आपका, दृश्य कला से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में दृश्य कला की आवश्यकता बताएं। देखिए, दृश्य कला के माध्यम से बच्चे भी जो है बहुत सारी चीज़ों को देखकर सीख लेते हैं, और दृश्य कला का महत्व जो है हमारे शिक्षण में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के युग में, आधुनिक युग में देखेंगे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से दृश्य कला का प्रयोग करते हुए विभिन्न तरीकों के विभिन्न समीकरण विभिन्न चीज़ों के बारे में विषय वस्तु से रिलेट करके बताया जा रहा है, जो कि बच्चों के लिए भावी जीवन के निर्माण में काफ़ी सहायक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है, दृश्य कलाओं के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कर। दृश्य कला में क्या आ सकता है, नाटक, रंगमंच, क्या क्या आ सकता है, आप बता सकते हैं उसके बारे में, प्रदर्शन, ये सभी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका 5वां प्रश्न है, बच्चों में कला विकास क्रम की मुख्य अवस्थाओं को बताते हुए किन्हीं 2 पर वर्णन करें। देखिए, बच्चों में कला विकास का क्रम मतलब अवस्थाओं को बताएं, कब उसमें मतलब बच्चों में कला विकास का क्रम उत्पन्न होता है उसके बारे में बता देना आपको। अथवा प्रश्न है, प्रदर्शन कला की आवश्यकता प्रारंभिक कक्षाओं में क्या है। देखिए, प्रदर्शन मतलब दिखा दिखा कर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे आसानी से सीख लेंगे, वही सब इंपॉर्टेंट है उसको, और बच्चे को करने में मजा आएगा, प्रदर्शन करना मतलब बच्चों के सामने दिखाना, इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका 6 नंबर है, विद्यालय को बाल सुगम बनाने के लिए कक्षा शिक्षण में विद्यालय को बाल सुगम बनाने में कला समेकित या कला शिक्षा की क्या भूमिका है। तो देखिए, बच्चों को रोल बाय एक्ट एजुकेशन मेक स्कूल मतलब चाइल्ड फ्रेंडली बाल सुगम बनाने के लिए जो है कला समेकित जो शिक्षा है या कला शिक्षा है बहुत ही जरूरी है। इसके माध्यम से बच्चे जो होते हैं बहुत सारी गतिविधियाँ बहुत सारी चीज़ों को देखकर सीखते हैं करते हैं, तो इससे जो है वो सीख लेते हैं आसानी से समझ लेते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है जरूरी है उनके लिए। अथवा प्रश्न देख लीजिए, गणित की प्राथमिक कक्षा में कला समेकित शिक्षा का कौन कौन से प्रकार के गतिविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, गणित के शिक्षा में या प्राथमिक कक्षा में गणित को सिखाने के लिए कला समेकित शिक्षा के माध्यम का प्रयोग करते हुए बच्चों को जो है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बता सकते हैं, नाटक करके बता सकते हैं, प्रदर्शन करके बता सकते हैं, दृश्य के माध्यम से बता सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कला का शिक्षण व्यवस्था में। आगे इसके लॉन्ग प्रश्न को देख लेते हैं, तो लॉन्ग प्रश्न आपका यहाँ पर है, कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम के तरीकों का क्या है, इनकी 5 युग चर्चा करें। नहीं, कला शिक्षा के मूल्यांकन के 5 युग उपागम क्या है, कैसे क्या क्या आप कर लेंगे। नेक्स्ट है कि नहीं 2 पर संक्षिप्त वर्णन करें, जैसे कि यहाँ पर पहला आपका है शिक्षा में रंगमंच। शिक्षा में रंगमंच होना मतलब कि शिक्षा में रंगमंच होने का मतलब है कि शिक्षा में रंगमंच होगा तो बच्चे नाटक एवं कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, अपने रीति रिवाज अपने समाज के संस्कृति व्यवहार को जान सकते हैं। बिहार के लोक संगीत के बारे में लिखना है आपको, बिहार के लोक संगीत क्या क्या है, यहाँ पर क्लोज
क्लोज के बारे में बताना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये वाला मैं आपको बता दूँ, कोलाज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोलाज कहने का अर्थ है किसी भी चित्र के ऊपर जो है बहुत सारे मतलब तरह के चित्र लगाकर, बहुत सारे सितार वितार लगाकर इसको और बेहतर तरीके से सजाना ही जो होता है आपका होता है कोलाज होता है। मैं आपको बता दूँ, काफ़ी समय हो गया, गला बैठ रहा है इसलिए थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही है और मैं भी पूरे मतलब थक गया हूँ, फिर भी मैं एक पेपर है कन्फर्म कर लूँ उसे। अभी भी बैटरी 7% बचे हुए हैं, पूरी तरह से मैं कन्फर्म कर लूँगा इसे। देखिए अब आपको पेपर F12 पढ़ना है, इसमें आपको शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको 40 नंबर का एग्जाम होता है, कुल प्रश्न 9 होते हैं, टोटल आपके 2 घंटे का समय होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं जो कि आपका लास्ट पेपर है 2020 में। प्रश्न क्या क्या पूछा गया था ICT में आप देख ले, इसमें बच्चे काफ़ी तरह फेल होते हैं ICT में, कंप्यूटर वाले विषय में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग फेल नहीं होंगे, आप सभी लोग बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके चल जाएंगे, आपका एग्जाम हो जाएगा। इस पेपर आप कर ले, बस वही आपके लिए बेहतर है। देखिए ICT के उचित उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचिकर बनाने में मदद कर सकता है कैसे। देखिए बोल रहा है कि ICT का प्रयोग जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचिकर बनाने के लिए कैसे कर सकते। देखिए तो हम अगर बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाकर कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाते हैं तो क्या होगा, बच्चे उसे सीखेंगे आसानी से, साथ ही साथ बच्चे बोरिंग नहीं होंगे, उसे आनंद रूप से रुचिमय होकर सीखेंगे। इसीलिए जो है कंप्यूटर का प्रयोग या ICT का प्रयोग जो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा होता है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में ICT का प्रयोग हो रहा है, इसके माध्यम से जो है शिक्षण जो प्रक्रिया है वो भी आसान हो गई है, साथ ही साथ किसी भी कठिन से कठिन समीकरण, कठिन से कठिन भावार्थ को या कठिन से कठिन व्याख्या बताना हो उसको आसानी से चित्र के माध्यम से दिखाकर बता सकते हैं, इसीलिए जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। अथवा प्रश्न आपका है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में ICT की भूमिका पर प्रकाश डाले। देखिए तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बनाने के लिए ICT का भूमिका क्या है, बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ को बताने के लिए हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से आसानी चीज़ों से बता सकते हैं, कठिन से कठिन समीकरण को बच्चों को आसानी तरीके से फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, बार ग्राफ के माध्यम से बता सकते हैं उनका, मतलब बता दें कि आपको ICT का प्रयोग जो है हर क्षेत्र में होता है। प्रोजेक्टर के माध्यम से आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है फिल्म के माध्यम की तरह दिखाकर पढ़ा सकते हैं और बच्चे को ये प्रवृत्ति होती है कोई भी चीज़ को देखकर वो हमेशा याद रखते हैं। तो शिक्षा माध्यम प्रक्रिया में ICT का प्रयोग आप जान गए, बहुत तरह का है। आप देख रहे कि मतलब बायोडाटा बनाने के लिए, उसका अटेंडेंस बनाने के लिए, आप देख ले रिजल्ट बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, सभी चीज़ों के लिए जो ICT का प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर की उपयोगिता पर प्रकाश डाले, प्रयोग की व्याख्या करें। आप जान गए वही प्रश्न आपका, बार बार वही प्रश्न होगा, बस थोड़ा सा अंतर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग की व्याख्या करें। तो कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है सीख लेंगे, इंटरनेट की सहायता से बच्चे भावी जीवन के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर, ICT का प्रयोग समझेंगे जिसके माध्यम से उनके भावी जीवन का निर्माण होगा। साथ ही साथ वो पेंटिंग सीखेंगे कंप्यूटर में, नोट्स लिखना मतलब अपना अटेंडेंस बनाना, फिर आपका रिजल्ट तैयार करना, एक्सेल बनाना, ये सभी चीज़ें जो है कंप्यूटर के माध्यम से सीखेंगे। कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे आसानी से जो है किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सीख लेंगे, साथ ही साथ कठिन से कठिन समीकरण को भी हल कर पाएंगे, विभिन्न तरह के पिक्चर देखेंगे, देश दुनिया की चीज़ों को जो है आसानी से वो समझ पाएंगे और इंटरनेट की सहायता से इंटरनेट के प्रयोग को भी जान जाएंगे। नेक्स्ट इसी में प्रश्न आपका है कंप्यूटर की विशेषता पर प्रकाश डाले, तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है, यह एक क्या है, बहुत बड़ा समूह है इसका, मतलब बहुत बड़ा मशीन है जो कि कठिन से कठिन समीकरण को हल करता है, त्रिभुगति से काम करता है, आसानी से हम एक जगह दूसरे जगह बैठे शिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी नोट्स को शेयर कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, फोटो दे सकते हैं, इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ की जा सकती है, बहुत सारे कार्य भी किए जा सकते हैं, कंप्यूटर की उपयोगिता है ना। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न है, देखिए आपका आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है इसकी उपयोगिता। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है आप बहुत तरह के जो है प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, बहुत तरह के जो है बहुत सारी चीज़ें जो उसमें लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ये सब चीज़ें। फिर आपका आ गया ऑफिस ऑटोमेशन में सॉफ्टवेयर पर प्रकाश डाले, जो आपका डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये सभी सिस्टम बताना है कि एप्लीकेशन सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सभी चीज़ के बारे में आपको बताना है जो कि आपको ICT में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका आ गया MS Word, तो MS Word का मुख्य उपयोगिता यही होता है कि हम लोग MS Word में जो है विभिन्न प्रकार के जो है सहायक सामग्री लिख सकते हैं, कठिन से कठिन जो है मतलब बातों को इसमें लिख कर रख सकते हैं सुरक्षित, कभी भी इसमें जो लिखे हुए चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फिगर इसमें लगा सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, अपना परिचय लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती है आप MS Word में कर सकते हैं, ज़रूरी है जानना। फिर आपका आ गया शिक्षण अधिगम में ऑडियो विजुअल एवं मल्टीमीडिया संसाधनों का महत्व बता। देखिए ऑडियो विजुअल और मल्टीमीडिया संसाधन का प्रयोग बहुत जरूरी है, बच्चों को अगर किसी चीज़ के बारे में दिखाकर और सुनाकर पढ़ाया जाए तो बच्चे उसे जीवन भर याद रखेंगे, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से, TV के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ये सभी चीज़ों के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे उस चीज़ को जीवन भर याद रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि बच्चे जो चीज़ देख लेते हैं एक बार उसे बहुत ज़्यादा तक जो है याद रखते हैं।
नेक्स्ट आप आ गया स्प्रेडशीट की उपयोगिता पर व्याख्या करें। स्प्रेडशीट में जो होता है बहुत सारी चीज़ें बायोडाटा को स्टोर किया जा सकता है, उसमें जो है बच्चों का रिजल्ट, बच्चों का डाटा, बच्चों का स्कूल का डाटा, कॉलेज का डाटा, आप माने कि उनके शैक्षिक योग्यताओं का डाटा रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें आप बिलिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामग्रियों का उपयोग कितना हुआ, मान लें कि लाइब्रेरी में है तो बच्चे के पुस्तक कौन लेगा, कितना लेगा, वो सभी चीज़ों का डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, इसीलिए जो है स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी में जो आपका प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर अथवा प्रश्न कि विद्यालय में उन कार्यों एवं सूची जहाँ बनाए जाए स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है कि किया जा सकता है, तो देखिए स्प्रेडशीट का प्रयोग जो है बच्चों का मार्कशीट बनाने में, किताब का ब्यौरा रखने में, अटेंडेंस शीट बनाने के लिए, फी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मिड डे मील की ब्यौरा रखने के लिए, ये सभी चीज़ें के लिए जो है कर सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 6 नंबर है स्लाइड डिजाइनिंग की प्रक्रिया पर बात करें। इसमें जो है पीपीटी बनाने के लिए क्या क्या उपयोगिता हो सकती है। पीपीटी बनाना मतलब कि किसी भी चीज़ को जो है अट्रैक्टिव तरीके से दिखाने के लिए जो है हम लोग स्लाइड डिजाइनिंग की प्रक्रिया का रूप से जानते हैं, पीपीटी इसको हम लोग बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके जो है हम लोग विभिन्न कठिन से कठिन जो है चीज़ों को जो है बच्चों को आसानी तरीके से फिगर के माध्यम से दिखाकर बता सकते हैं। इसी में जो अथवा प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षण अधिगम में एमएस पावर पॉइंट की उपयोगिता क्या है, तो वही पावर पॉइंट की प्रयोगिता यही है कि बच्चों को जो है किस कठिन से कठिन विषय वस्तु को बताने के लिए हम लोग लाइव डेमो प्रक्रिया के माध्यम से, लाइव चित्र के माध्यम से डू एंड, जैसे कि मान लें कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उस तरह के वहां पर पीपीटी लगाकर बच्चे रियल में वहां दौड़ते हुए नजर आएंगे, उस तरह की गतिविधियां का प्रयोग करते हुए जो है एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंट करते हुए विभिन्न प्रकार की स्लाइड बनाएंगे, किसी भी चीज़ को जो है अट्रैक्टिव तरीके से दिखाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो होता है स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्लाइड में हम लोग फोटो, रियल मोशन पिक्चर, बहुत तरह की गतिविधियां कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है। आगे जानते हैं इसके लॉन्ग प्रश्न जो कि 2 प्रश्न होंगे, बहुत ज्यादा मैं बता दूं, थक गया हूं मैं पिछले 1 घंटे से मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन। लॉन्ग प्रश्न 2 है, देखिए सूचना एवं संचार तकनीकी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उपकरणों की सूचीबद्ध तैयार करें कि नहीं, 3 उपकरणों के संक्षिप्त व्याख्या करें। तो देखिए सूचना एवं संचार तकनीकी के अंतर्गत जो है विभिन्न मतलब तरह के क्या आ जाएंगे, डिवाइस आ जाएंगे, जैसे कि आप देख ले उपकरण आ जाएंगे, जैसे मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, फिर आप देख ले वॉकी टॉकी हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गए, ये प्रोजेक्टर हो गए, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी ना, इसके बारे में आपको व्याख्या कर देना है, 3 चीज़ के बारे में लिखकर आप व्याख्या कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आते हैं। फिर आपका 1 नंबर प्रश्न है शिक्षण अधिगम में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालें। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था में काफ़ी सुधार आई है, साथ ही साथ देश दुनिया की सभी चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज चाहिए तो इंटरनेट जानना जरूरी है। इंटरनेट के प्रयोग करके हम किसी भी देश विदेश की शिक्षा को जो है ग्रहण कर सकते हैं, घर बैठे विश्व के कहीं भी कोना में बैठे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट जो है हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, इसके माध्यम से हम सभी कार्यों को जो है आसानी तरीके से कर सकते हैं। आप इसके बारे में जानते हैं, रोज आप इंटरनेट यूज करते हैं, डेली मोबाइल यूज करते हैं, आप इसके बारे में लिख लेंगे। नेक्स्ट आप किन्हीं 2 पर टिप्पणी करें, वेब ब्राउजर, ई लर्निंग, मोबाइल और पेन ड्राइव, क्या क्या आपको मालूम होगा, ये सभी चीज़ें तो आप डेली यूज करते हैं मोबाइल में, आपको मालूम होना चाहिए, ये सभी चीज़ें के बारे में लिख लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जो है 2020 के पूछे गए F1 से F12 के प्रश्न को बताया हूं, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है, पूरे 1 घंटे से ऊपर वीडियो बन गया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इतनी मेहनत आप सभी लोगों के लिए किया जा रहा है, तो एक आप सभी लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप सभी लोग सपोर्ट करें, प्यार करें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैंने इस वीडियो में पूरे प्रश्न को समझाया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।